आज हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर की गजक बर्फी भी आप इसको बोल सकते हो एंड आप अपने हिसाब से इसमें मीठा रिड्यूस कर सकते हो। बहुत हेल्दी है ये, इसमें बहुत सारे तिल हमने ऐड करे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इसका क्रंची फ्लेवर है, टेस्टी है एंड बच्चों को ये पसंद आने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इस बेहतरीन रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क पाउडर, तिल, चॉको चिप्स, कोको पाउडर, थोड़ी सी कॉफी जो साइड में पड़ी है, घी, चीनी, पानी और वनीला एसेंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है और उसमें हम ड्राई रोस्ट करेंगे जो हमारे तिल हैं उन्हें। तो तिल जब आपके ड्राई रोस्ट होंगे बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आएगी, तो आप जान जाओगे कि रोस्ट आपके अच्छे से हो गए हैं तिल। और करीब 2 से 3 मिनट लगेगा, लो फ्लेम पे ही रोस्ट करिएगा। तो आप ये देख सकते हो बहुत ही अच्छे रोस्ट हो गए हैं। अब हम ले लेंगे छोटा सा एक पैन, उसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और आधे से भी कम कप पानी। चाशनी बनानी है हमें, बहुत सारी रेसिपीज़ भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ जहाँ हमने चाशनी की स्वीट्स बनाई है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो आपको जो तार है जो चाशनी की, वो इस तरीके से आपकी होनी चाहिए। अब आप अगेन कढ़ाई लोगे और उसमें डालोगे मिल्क पाउडर और ये जो तिल हमने भुने थे इसको मैंने कोर्सली जो ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपको पाउडर नहीं बनाना है, कोर्सली ही ग्राइंड करना है, तभी तिल का फ्लेवर मज़ेदार आएगा। अब आप इसको क्या करोगे, सिर्फ आधे मिनट के लिए आपको इसको रोस्ट करना है और फिर आपको ऐड करना है देसी घी। देसी घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डलेगा, 2 बड़े चम्मच, और वेनिला एसेंस, क्योंकि चॉकलेट के साथ हम फ्लेवर दे रहे हैं तो वेनिला एसेंस डालेंगे, चाशनी डालेंगे। अगर आप सिंपल ही बिना चॉकलेट के इस बर्फी को बनाना चाहते हो या गचक को बनाना चाहते हो तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो अब आप ये देखोगे जो आपका डो की तरीके से ये 5 to 7 मिनट्स लगेंगे, लो फ्लेम पे आपको बनाना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है, समझ रहे हो। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी बेकिंग डिश है या कोई भी आपके पास ट्रे है, प्लेट है, उस पर पार्चमेंट पेपर लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए और फिर जो हमारा ये मटेरियल बन गया है, बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है तिल की, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है गरम गरम ही खा लूँ मैं इसको। तो हम अच्छे से इसको फ्लैटन करेंगे, तो मैंने कटोरी की हेल्प से किया है, बहुत गरम है ये, आपको ध्यान में रखना है, इमीडिएटली करना है, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपकी बर्फी नहीं बनेगी, गचक नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। तो अच्छे से अब हमने इसको लेवल कर लिया है, अब हम इसको रख देंगे और हम इसके ऊपर की टॉपिंग बनाएंगे जो कि चॉकलेट की है। तो हमने 1/2 कप चीनी लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने इसके अंदर, और हम थोड़ी सी ऐड करेंगे ब्राउन शुगर या जैगरी पाउडर, टोटली ऑप्शनल है, मेरे पास थोड़ी ही पड़ी थी, नहीं तो मैं बेसिक जो हमारी हमने बर्फी बनाई है उसमें भी डालती। तो थोड़ा मैंने इसमें कोका पाउडर ऐड किया है और वो जो कोने में पड़ी हुई थी ना थोड़ी सी कॉफ़ी, वो ऐड किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, कॉफ़ी डालिएगा ज़रूर अगर आप खाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और अब आप देखोगे एक मैजिक बनेगी, बहुत ही अच्छी हमारी चॉकलेट सॉस। पर उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा घी, इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। आप देखोगे एकदम से घी डालते ही जिसका टेक्सचर है वो चेंज हो गया है। जब हम पुडिंग्स या मूज बनाते हैं उसमें हम बटर का ऐड करते हैं, या हम देसी चीज़ बना रहे तो देसी खांड और मिल्क पाउडर। तो कुछ लोग, जैसे हम लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, खोया मिलना कई बार आसान नहीं होता है, तो मिल्क पाउडर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ईजिली अवेलेबल है। तो आप इस तरह की मिठाई में अगर मिल्क पाउडर ऐड करते हो तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं बनती है, कई लोगों का ये ओपिनियन होता है, फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनती है, बहुत फटाफट से बन जाती है। वेनिला एसेंस डालेंगे क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर के साथ वेनिला का जो फ्लेवर है बहुत ही अमेजिंग आता है,
और ये हमारी जो ऊपर की लेयर है वो भी रेडी है। अब इसको हम गरम गरम ही हमें सर्व करना है। ध्यान दीजिएगा, जो पैन है वो बहुत गरम होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सारा स्प्रेड कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो टेक्सचर है हमारा रनिंग टेक्सचर है, तो हो सकता है साइड में आपकी चॉकलेट चली जाए। कोई बात नहीं, अलग से बाद में आप खा सकते हो उसको, बहुत ही यम्मी है। एंड फिर अब इसको आप अच्छे से एक बार और टैप करोगे और थोड़ा सा इस तरीके से आपको लेवल करना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये, टेम्पटिंग तो लग ही रहा है। और इसमें हम डाल देंगे बहुत सारे चॉको चिप्स। तो आप यहाँ पर बादाम भी डाल सकते हो, कैशू नट्स भी डाल सकते हो, जो भी फ्लेवर आप देना चाहते हो इस मोमेंट पे आप ऐड कर सकते हो। मैंने प्योरली चॉकलेट और तिल रखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चॉको चिप और तिल ऐड करे हैं। तिल जो हमने रोस्ट करे थे थोड़े से निकाल लिए थे मैंने, और फिर हम यहाँ स्प्रेड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी ये बनेगी। 4 घंटे इसको लगेंगे सेट होने में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, फ्री में है, कर दो ना। और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर दबाना, तभी तो पता चलेगा मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। अच्छा, तो लाइक भी कर देना और कमेंट तो करके बता ही देना कि आपको ये जो मेरा इनोवेटिव आइडिया है ये कैसा लगा। तो अब 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको करेंगे कट। तो कट करने में मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी परेशानी होगी, बिकॉज जो हमारी चाशनी वाली ये जो बर्फ़ी है, थोड़ा सा इसमें हमें अपने बाजुओं का जोर अपनाना पड़ता है। बट आई नो ये कट जाएगी, बहुत ही अच्छे से पीसेस इसके निकल आते हैं। तो इन्जॉय करें इस बर्फी नुमा गचक को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।